आज मैथमेटिक्स का बेसिक टॉपिक करते हैं, परसेंटेज या प्रतिशत हिंदी में। देखो ये अर्थमेटिक या अंक गणित जो आप पढ़ते हो उसका मेन बेस है, कंप्लीट जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे पूरा अर्थमेटिक को सीखेंगे उसमें ये चीज़ है। ओके एंड प्रतिशत का कॉमन मतलब ना परसेंटेज, सेंट या शत को हिंदी में कहते हैं 100, प्रतिशत हर एक 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर जो कैलकुलेशन करोगे आप वो परसेंटेज की कैलकुलेशन हुई। फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज़ थ्रू आउट अर्थमेटिक आप इस बात को माइंड में सेट करोगे वो अपने आप में 100% होगी। ओके 100% रेशियो में 1 बनेगा, दिस इज अ कॉमन थिंग। सो कुछ एक तो मेन बातें देखो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो वो सेम चीज़ें हैं, तो कुछ तो आपको डायरेक्टली ध्यान होने चाहिए। ओके इनका यूज़ कैसे होता है, किस टाइप से चलते हैं, ये हम करते हैं। देखो मैं एक सिंपल एक बात लिखता हूँ, उस बात के थ्रू इस बात का मतलब समझते हैं। दो फ्रेंड हैं ए और बी, इनकी सैलरी की रेशियो 4:5 है, मतलब ये 4 कमाता है तो ये 5 रुपये कमाता है, इनका सैलरी का रेशियो है। सो हम क्वेश्चन बनाएंगे इस बेस पे। पार्ट 1, एज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, और इसी का हम एक उल्टा क्वेश्चन बनाए तो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बी ए का कितना प्रतिशत है। जो इस सिंपल कंसेप्ट, यहां आप दो बातें नोट करोगे, इंग्लिश में देखो तो व्हाट परसेंट किसके साथ जुड़ा है और ऑफ वाला किस्सा किसके साथ जुड़ा है। ये हिंदी में कहूं तो का वर्ड किसके लिए लिखा गया और कितना वर्ड किसके लिए लिखा गया, ये बात पे ध्यान देना है। इसमें क्या करोगे, जो व्हाट परसेंट है कितना प्रतिशत है इसको आप ऊपर लिखोगे, जो आपका ऑफ है का वर्ड जो आएगा वो नीचे, और प्रतिशत का मतलब परसेंट का मतलब 100 के ऊपर। ठीक है तो अब देखो फर्स्ट केस, ये बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का आपको ध्यान रखना है। अब वो कह रहा है पहले क्वेश्चन में ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट किसके लिए आया, ए के लिए, ऑफ किसके साथ आया, बी के साथ, इनटू 100। ठीक है, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 5, इनटू 100 ये 20 पे कट हो गया तो 80%। पार्ट ए का आंसर हमें मिला। बात क्या ध्यान रखनी है छोटी सी, व्हाट परसेंट जिसके साथ लिखा गया है, भाई कितना प्रतिशत जिसके साथ लिखा गया है उसको आप ऊपर लिखो, का जिसके साथ यूज हुआ उसको नीचे लिखो, बस इतना बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। सो बना लो, फर्स्टली बना लो, देखो बी के लिए जरा, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बी इज व्हाट, व्हाट आया बी के साथ, ऑफ आया ए के साथ, इनटू बना 100, सो 5/4 इनटू 100 ये इससे 25 पे कट होगा तो कितना आंसर आएगा इस बार, 125%। ए 80% है बी के हिसाब से और बी 125% है ए के हिसाब से। दो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बात छोटी सी ध्यान रखनी है, व्हाट जिसके साथ लिखा वो ऊपर, ऑफ जिसके साथ लिखा वो यहाँ, और मल्टीप्लाई में हमेशा 100 करना है क्योंकि आप परसेंटेज की बात अब कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी मीन बाय परसेंट। ठीक है, ये दो बातें आपने नोट कर ली ना, जैसे आप नोट करो। ठीक है, आई होप आप नोट डाउन कर चुके हो इस केस को। अब हम इन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसी क्वेश्चन में। अब देखो जरा, मान लो यहां एक तीसरा क्वेश्चन हम ऐड करना चाहेंगे, साफ दिखाई दे रहा है ए कम है, ए मैं हिंदी में लिख देता हूं, कितना कम है का मतलब कितना प्रतिशत कम है, मैं परसेंटेज की ही बात करूंगा, इंग्लिश में बोल देता हूं, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, सो
ऐसे आप कहोगे बी ज्यादा है आपको दिखाई दे रहा है, तो बी ए से कितना, मैं लिख देता हूं इस बार, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो फिर से व्हाट एंड ऑफ आप सीख चुके हो ना, अभी रेफरेंस बी दिखाई दे रहा है, तो बताओ ए कितना कम है बी से, यहां चेक करना जरा, एक कम है ए, एक कम कितने से बी मतलब पांच से, और पता कहां करना है प्रतिशत यानी सौ पे, तो पांच से कितने पे कट गया ये 20% कम है इससे, एक क्वेश्चन। और सेकंड बी कितना ज्यादा चेक करो इधर भाई, इसमें एक ज्यादा है बी, एक ज्यादा किससे, ए से, ए मतलब चार से, परसेंट मतलब सौ पे, तो कितना ज्यादा हुआ इससे ये 25% ज्यादा, 20% कम हुआ ए, 25% ज्यादा हुआ बी। ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, छोटी बात है, कहाँ आपने कैसे यूज करना है, कितना क्या, ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये शुरुआत है। अब कुछ एक एडवर्स कन्वर्स केस होते हैं एक दूसरे के, या कुछ एक पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आपको एक बेसिक बता के छोड़ दूंगा, काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनमें बहुत लिख रखे हैं फ्रैक्शनल पार्ट, आप वहाँ से भी देख सकते हो, नेट से देख सकते हो, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेन चीज़ जो मैं मानता हूँ आपको देखो इतना सीखना है कि आप कैलकुलेट करना सीख लो, बनाना सीख लो, उसका न्यू आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, बनाते जाओ उसके बाद, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक, या जो चीज़ हमारी 100% है वो एक हो गई, ठीक है, क्योंकि 100 क्या है परसेंट, परसेंट बना हुआ है, हटाना तो 100 से डिवाइड करोगे, 100/100 एक बन गया तो ए हो गया। अब दो बनाना है तो ये कितना हो जाएगा 200%, इस टाइप से आपने बनानी है। तो ऐसे ही 1/2 मतलब, 1 का मतलब क्या था भाई 100%, 2 से भाग दे दिया 50%, ऐसे ही 1/4 ये चौथा हिस्सा हो गया 100 का 25%, 1/5 100/5 करोगे ना, 1 का मतलब 100%, 100% / 5 20%, और ये कन्वर्स भी होते हैं भाई, 20% का मतलब पांचवा हिस्सा है, वो एक ही बात है ना, ऐसे ही आप मेजर ध्यान रखोगे इसके अंदर। ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अब आपके सामने ये कुछ एक लिखी है, इनका बनाना सीखो। अब आपके सामने आ जाए 40% का मतलब क्या है फ्रैक्शन में, तो आप क्या कहोगे 40% मतलब किसके ऊपर है ये 100 के ऊपर, ठीक है, ये कट कर दिया और 2 से भाग हो गया तो कितना बचेगा ये 2/5, तो 2/5 का मतलब 40% या 40% का मतलब 2/5, ये बनाना है आपने ऐसे। वो कह दे 30% का मतलब क्या है, मतलब 30 किसके ऊपर है 30 100 के ऊपर है, तो 30% का मतलब क्या बना 3/10। और फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे भी हो सकते हैं 12 1/2%, ये आपकी मिश्रित भिन्न जो आप पढ़ते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन, इसके और इसकी मल्टीप्लाई 24 12 2 24 प्लस 1 25, तो 25/2 क्या है अभी भी प्रतिशत 100 के ऊपर है, तो 1/100 कर दो फिर से, ये कितने पे कट गया 4 पे, तो ये कितना बन गया 1/8, तो 12.5% का मतलब 1/8 या 1/8 हिस्से का मतलब 12.5%। सो यहाँ ये आपको बनाने हैं, ये जहाँ भी लिखा मिल जाए 16 2/3 लिखा मिल जाए, कुछ भी लिखा मिल जाए, आप ओपन करो और बनाओ उसको सिंपली, परसेंट बना हुआ है तो उसे डिवाइड करो, क्लियर है ना, परसेंट अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है 40% है तो 100 से डिवाइड करो, और 2/5 हिस्सा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इसके इनटू में 100 करना जरा 20 2 40 वही आ जाएगा दोबारा। तो ये आपको देखो बनाने सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे आप याद कर सकते हो वेरी गुड, नहीं कर पाते हो तो आप बनाना सीख लो। अब मैं वहाँ ऐसे ही बोलूँगा, अगर कहीं आ जाता है 25% तो हम कन्वेंस के हिसाब से, हम सुविधा के हिसाब से कह देंगे 25% मतलब 1/4 हिस्सा, वो कह देगा 3% मतलब 3/10 हिस्सा, या प्रतिशत यूज कर लेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे हम, ठीक है। ये आप बनाना सीख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ वर्क करना, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से करेंगे। मैं कन्वर्स में ज़्यादा फोकस करवाना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ें कन्वर्स में एक्ट करती हैं, वो बड़ी काम की चीज़ें हैं। जैसे मेरा मतलब क्या है कन्वर्स, एक नंबर है मान लो ए है, ये प्योर है अपने आप में, प्योर है शुरुआत में है, 100% है, ठीक है। अब ये परसेंट भी हटाई देता हूँ, 100% 100 है अपने आप में, 100 है ये, मैंने इसको बढ़ा दिया
25% ज़्यादा खा दिया तो नया नंबर कितना बन गया, 125। क्लियर है, 25 जुड़ा है उसके अंदर। अब मान लो मुझे इस 125 को वापस 100 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा भाई, देखो 25 कम करना पड़ेगा, कम किया ना आपने, 25 माइनस किया, लेकिन परसेंटेज में 25% कम नहीं हुआ, कम ही देखना जरा, 25 की आई है, कितने के ऊपर, 125 के ऊपर आई है, बतानी कितने पे है, प्रतिशत में कितनी प्रतिशत आई, मतलब 100 पे बतानी है, मतलब 20% की कमी आई, बढ़ा कितना था वो 25%। ये कन्वर्स रिलेशन है, मतलब अगर कोई नंबर 25% बढ़ जाए और आपको वापस वहीं लेके आना हो जहां से वो बढ़ के गया था तो कितना कम करोगे आप, कॉमन सी बात, अब आपको दिखाई दे रहा है ये 20%। बट हर बार ये चीज़ें मैं नहीं चाहता आप कैलकुलेट करो, इसलिए कुछ एक ये रिजल्ट बना के रख लो, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत केस में काम आएगी ये, तो इसका हम बना लेते हैं। यहाँ कुछ एक सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ जिसका आप ध्यान रखें, ये मेरा मतलब रहेगा जो आप ऐसे एरो देखोगे, इसका मतलब आप देखोगे वो हाइक है, वो बढ़ी हुई चीज़ है, और मैं कहीं ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो कम करना है आपने, ओके। तो ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा ए या कोई भी नंबर 25% ये मतलब बढ़ा दिया जाता है तो आप उसको 20% कम कर दो, ये नंबर वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा वो था, ओके। ऐसे ही अगर कोई हमारा नंबर 20% हाइक कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो आप उसको 16 2/3% या छठा हिस्सा उसका ये डाउन कर दो, कम कर दो, ये नंबर वापस उसी स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर आपका 50% बढ़ा दिया जाता है तो आप उसको वापस कम कर दो, 33 1/3% कम कर दो, अब ये नंबर फिर से सेम हो जाएगा। ये बढ़ाने की बात नहीं, कम में भी ऐसे ही चलते हैं। अगर आपका कोई नंबर 20% कम कर दिया जाता है तो आप उसी नंबर को 25% ज़्यादा कर दो, वो नंबर फिर से उतना ही बन जाएगा जितना वो था। अगर कोई नंबर आपका 25% कम कर दिया जाता है तो आप वापस उस नंबर को 33 1/3% तीसरा हिस्सा उसका बढ़ा दो, ये फिर से वही बन जाएगा। ये कुछ एक एडवर्स कन्वर्स केस है, ये इतना बढ़ेगा तो इतना कम होगा, उतना कम होगा ज़्यादा होगा, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन को शॉर्ट करने में अगर आप इनको याद रख सकते हो देन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देन कम बड़े कम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन टाइम बचाना है। देखो आना वही एक बात मैं फिर कहूँगा, आपको कंसेप्ट आते हैं अच्छी बात है, आपको रिजल्ट याद है ये और ज़्यादा अच्छी बात है, टाइम बचाने के लिए दिस इज़ द मेन थिंग। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, याद नहीं रखोगे ऐसा नहीं निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाओगे लेकिन निकालने में जो टाइम लगेगा और किसी को डायरेक्ट ध्यान होंगे क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा उस बात को मैं, तो ज़्यादा तुमसे एडवांटेज में रहेगा, वो काम करना ज़रूरी है। अब इसमें एक और रिलेशन है जो मैं चाहता हूँ आप देखें, मान लो दो केस हैं, इस बार रिलेशन चेक करना है, इसको बढ़ा दिया 25% और इसको बढ़ा दिया 20%। शुरुआत में ये इक्वल मान लो, शुरुआत में ये इक्वल थे दोनों ही केस, ये नंबर भी प्योर 100% था, ये नंबर भी प्योर 100% था, इसको 25 बढ़ा दिया, इसको 20 बढ़ा दिया। अब देखना चाहते हैं इनके बीच इसके रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, देन दिस इज 4% लेस, ये इससे 4% कम होगा, या मैं इनडायरेक्ट वे में बोलूँ, मान लो एक नंबर को पहले 25% बढ़ा दिया, साइड बाय साइड उसके एक किस्से में 20% की बढ़ोतरी कर दी, ठीक है ना, एक बार उसको 125 किया, एक बार उसी नंबर को 120 किया, ये कहना चाहता हूँ मैं, ये 100 था, 25 बढ़ाया तो कितना बना 125, ये अगर 20 बढ़ता तो कितना होता 120, ठीक है। अब मान लो मुझे 125 से 120 पे आना है, सेकंड बढ़ोतरी वाले केस पे आना है, एक बार 25 बढ़ाया एक बार 20 बढ़ाया, तो यहाँ से मुझे सेकंड बढ़ोतरी वाले केस पे लेके आना है, अब इसको आपको सिर्फ 4% डाउन करना पड़ेगा, कुछ एक केस ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे, ये 4% डाउन कर दो, ये वापस वहीं आ जाएगा अभी, ठीक है। ये कैसे आएगा देखो, इस बार आपको 5 कम करना पड़ेगा क्योंकि 125 से 120 तो रिजल्ट बन ही चुका है, 5 कम करना है, 125 के ऊपर करना है, 100 पे आप उसको बताओगे
तो ये 25वां हिस्सा मतलब 4%। ऐसे ही एक नंबर, पहले 30%, सॉरी पहले वही आपका सेम रिजल्ट, 25% हाइक हुआ तो कितना हुआ 125। अब सेकंड केस में 30% हाइक हो गया तो कितना बना 130। अब ये इंटरलेशन देखोगे तो इस बार 4% हाइक हो चुका है। ये कुछ एक रिजल्ट मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट ध्यान रखें, बड़े हेल्पफुल रिजल्ट हैं, काफ़ी बार पूछे गए एसएससी में या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट काम आएंगे। ओके, मेरी तरफ से दिस इज मेन बेसिक कंसेप्ट। अब मैं क्वेश्चन शुरू करना चाहता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन आप देखें इनका यूज़ क्या है, ये आप आई होप आप नोट कर चुके होंगे अभी तक। देखो ये क्वेश्चन एक चाय के दाम में 25% की वृद्धि की जाती है। मैं इंग्लिश में आपको टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा रिपीट करूंगा या लिखूंगा नहीं, रेट ऑफ देखो ना चाय के दाम में 25% की वृद्धि, तुम क्या कहेंगे रेट ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, रेट ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। खपत में कितनी कमी की जाए, कि हमारा जो खर्च है वो समान रहे, पहले जितना होता था उतना ही रहे। सिंपल इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो चाय के द रेट ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, सो कंजप्शन ऑफ द टी शुड बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट द एक्सपेंडिचर मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ एक बेसिक मेथड है सर के बनाई हुई ट्रिक्स है, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सिंपल मान लो आप 100 रुपये किलो की चीज़ खरीद के लेके आते हो और 100 किलो चीज़ खरीद के लेके आते हो तो आप 10,000 खर्चा कर देते हो रोज। ठीक है ना, सिंपल रूल है। अब ये बढ़ गया है तुम्हारा 25% बढ़ गया है तो कितना हो गया है 125 रुपये पर केजी। ये पता करना है कितना होगा, लेकिन रूल क्या है, ये खर्चा उतना ही रहना चाहिए जितना ये था। कितने पे कट हो गया 80 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80, पहले कितना था 100, तो कितना कम हुआ भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना 20% कम हुआ। ये एक बेसिक फंडा है जिसे आप सोल्व करोगे, इससे हम बेसिक ट्रिक्स बना लेंगे छोटी सी कॉमन लाइफ की ट्रिक्स। देखो आप मान लो आपके पास 4 रुपए हैं, 4 रुपए का पेन लेके आते हो और आप 5 पेन लेके आते हो तो कितना खर्चा करते हो 20 रुपए का। आज दुकानदार ने रेट बढ़ा के ना 5 रुपए कर दिया एक पेन का रेट, और आपके पास तो वही 20 रुपए हैं तो कितने मिलेंगे आज आपको, 4 पेन मिलेंगे। कॉमन सेंस की बात है, देखो रेट एंड क्वांटिटी रिवर्स हो गए। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो रेट एंड क्वांटिटी रिवर्स हो गए ना, इससे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स बन गई। अगर ये सेम रखना है तो रेट और क्वांटिटी की रेशियो रिवर्स हो जाएगी एक्सपेंडिचर सेम है जो यहां कंडीशन है, तो हम बना देते हैं अब इसकी भी ट्रिक्स, इसी क्वेश्चन को ट्रिक्स से कर लेते हैं। तो आपका नया और पुराने का देखो, पुराना रेट 100 था, नया क्वेश्चन के हिसाब से 25 बढ़ा था, मतलब क्वांटिटी इसकी उल्टी होनी चाहिए, 125 से घट के 100, तो कितने की कमी आई 25 की कमी आई, कमी कितने के ऊपर आई
125 के ऊपर इंटू 100 कर दो, तो कह सकते हो भाई 20% की कमी आई, ठीक है ना। ये इसके बेसिक रिजल्ट, बिल्कुल बेसिक, ये भी शॉर्ट है, ऑटोमेटिकली बहुत शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये कहीं फेल नहीं होगी, बेसिक परसेंटेज की ट्रिक्स है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक्स तो मस्ट है कि आप नोट डाउन करें ही करें, ट्रिक्स तो आपको करना ही है, ऑब्वियसली बात है, ट्रिक आपको सीखनी है, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा आगे निकल जाते हो, कुछ एक बातें जो मैंने दो स्टेप पहले आपको बताई हैं, आप वहाँ आ जाते हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई नंबर अगर 25% बढ़ गया हो, वहाँ वापस समान नंबर पे लाने के लिए कितनी कमी की जानी चाहिए बताना ज़रा, कितनी, 20% की ना लिखा था हमने। अब देखो सोले नहीं करना पड़ा ना, आंसर मिल गया, वृद्धि 25% की और वर्ड क्या है समान, तो इसका मतलब इसका आंसर आना क्या चाहिए, 20% और वो भी क्या डाउन। ओके दिस इज द थिंग, मैं रिजल्ट की बात यहाँ कर रहा था आपसे, अरे ना बात समझ में, रिजल्ट की बात ये कह रहा था मैं आपसे। अब चलो, अब मैं उसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वन टाइम के लिए मैं चाहूँगा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होके ही करें, जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाए हैं आप उनके हिसाब से ही करें, आप ट्रिक्स तो यूज़ कर ही सकते हो, मैंने आपको बताई है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया गया, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया गया, क्या बात है भाई, इस बार चीनी का भाव, इंग्लिश में लिखा है प्लीज आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया गया, तो इसकी जो खपत में कमी आएगी वो जो पुरानी खपत थी उनका अनुपात बताना है, तो बताएं खपत में आई कमी और पुरानी खपत का अनुपात क्या होगा अगर उसका खर्च आज भी उतना ही हो जितना पहले होता था, ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी ना, सिंपल है, 20% की वृद्धि और वर्ड सेम, तो कमी 16:2/3 की, रिजल्ट ओरिएंटेड सिखाया था 1/6 की, मतलब पुरानी मतलब कमी, तो क्या रेशियो आई, 1:6, डन इट, गॉट इट, कहना क्या चाहते हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बात है। मान लो परसेंट के बजाय रेट का गेम खेलना शुरू कर दे, है ना, एग्जाम में ऐसा भी होता है, मान लो ये कह दे, मैं एक आम भाषा में क्वेश्चन लिखता हूं, चाय का भाव 6 रुपए per kg से बढ़ के 7.5 रुपए per kg हो गया, अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना हो, खर्च समान रखना हो, तो बताओ खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें, कितना प्रतिशत कमी करें, ये बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, रेट क्वांटिटी रिवर्स करेंगे एंड इजीली आंसर आ जाएगा, वन सेकंड। एंड अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड होकर चलना चाहते हो, वो कह रहा है रेट ऑफ टी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 rupees per kg to 7 rupees per kg, देन इफ यू वांट टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, देन फाइंड हाउ मच परसेंट रिडक्शन ये शुड बी इन द कंजप्शन, कंजप्शन में कितनी प्रतिशत की कमी करें। तो देखो जरा, 6 से बढ़ के 7.5 मतलब 1.5 बढ़ा, है ना, 1.5 छः के ऊपर बढ़ा, 6 का 1.5 बढ़ गया, 1/4 हिस्सा, 1.5 बढ़ा है 6 के ऊपर, मतलब 1/4 हिस्सा है ना, और 1/4 हिस्से का मतलब 25%, और वर्ड क्या है समान, तो कितनी कमी आनी चाहिए भाई, 20% की, ये आंसर है।
आगे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने का डिफरेंस है। खैर आज की जो बातें हैं, मेन बात थी कंसेप्ट और मेथड बताने, रेट क्वांटिटी मेथड का आपने यूज़ करना है, रिवर्स वाले और बेसिक वाले का। और ये रिजल्ट अगर आप याद रखते हो देन बेस्ट थिंग है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये शुरुआत थी, बेसिक वीडियोज थी। नेक्स्ट सेक्शन मैं कंप्लीट परसेंटेज के क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज डिस्कस करूंगा और आपको उस पार्ट में दिखाऊंगा। एंड टिल देन आई अगेन से द सेम थिंग एंड सेम लाइन, कीप वर्किंग एंड कीप स्माइलिंग, दिस इज ओनली वन रेशियो। आप हमेशा वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, कदम रुकने नहीं चाहिए। ये मेहनत चलती रहेगी तभी सफलता हासिल होगी। मान लो नहीं मिली, ठीक है ना, चलते गए तब भी नहीं मिली, रुक गए तो कौन सा मिलने वाली थी? कदम रुके तो रुके भी क्या, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, पीछे रह के कम से कम कोशिश तो करो। सो कदम रुकने नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए और फेस पे एक अच्छी स्माइल रखो, काम बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग।